और आर वी लाइव? पूरे 50 लोग जो वेटिंग में। वेलकम वेलकम। मेरे को नहीं पता कौन है कौन नहीं है, कौन बाद में देखेगा। जो भी बाद में देखेगा आपको पता चलना चाहिए कि आज कैसी मार मारी है न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को। पहला वर्ल्ड कप का मैच था। वेलकम टू द आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, जहां पर सबके टॉप फोर लगभग थे, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ना पाकिस्तान। बहुत कम लोग न्यूजीलैंड को हर बार चांस देते हैं, एंड आज का मैच दिखा रहा है न्यूजीलैंड का कि फिर से वो कौन सी धुआंधार टीम है भाई। जब मैच स्टार्ट हुआ था, टॉस जीत के पहले न्यूजीलैंड ने बॉलिंग ली थी। आई रिमेम्बर टॉम लेथम आज कैप्टन है, विलियमसन कैप्टन नहीं है, इश सोडी इंजर्ड है, लॉकी फर्ग्यूसन इंजर्ड है, उनके बड़े बड़े प्लेयर्स अभी भी बाहर बैठे हुए, एंड स्टिल न्यूजीलैंड 9 विकेट से मैच जीत रहा है। इट्स अ जोक भाई। इंग्लैंड की वो टीम जहां पर बैटिंग इतनी सॉलिड है, जहां पर जॉस बटलर, लियाम लिविंगस्टन, मैं बोल बोल के थक जाऊंगा, जहां पर मोइन अली एंड एलेक्स हेल्स बोल रहा हूँ मैं, या मलान एंड इतने सारे हैरी ब्रुक्स जैसे बैट्समैन है, एंड लोग एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी टीम को कि 350 से 400 रन बनाएंगे। किधर गए भाई तुम्हारे 300 रन? ओवर रेटेड हो गए हो भाई तुम। किधर गए तुम्हारे 300 रन? बड़े 300 के झाड़ रहे थे कि गुजरात में हम आ जाओ, अहमदाबाद में आ जाओ, ब्रिंग अस इन एनी स्टेडियम। खाली मुंह चलाना है तुम लोग को भाई, ब्रिंग अस इन एनी स्टेडियम, वी विल हिट 300। तुमको टेस्ट में बड़ा बैस बॉल बनाने आता है, फ्लैट पिच, छोटी ग्राउंड एंड हिट सिक्सेस, बैस बॉल। किधर गया तुम्हारी हिटिंग भाई आज? जब व्हेन इट मैटर्स यू आर द गोस्टेड टीम। एंड मेरे पास एक फैक्ट है वैसे, जो 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, एंड फाइनल भी ड्रॉ हुआ था, सुपर ओवर भी ड्रॉ हुआ था, लेकिन इंग्लैंड को वर्ल्ड कप विनर बोला गया था कि उनके पास बाउंड्रीज ज्यादा है। गेस हू हैड द बाउंड्रीज मोर टुडे? न्यूजीलैंड। 34 बाउंड्रीज मारे थे, तुमने सिर्फ 28 मारे, बेशरम तुम लोग को। मतलब आज हिसाब बराबर हो गया, मतलब वर्ल्ड कप के नजरिए से बराबर नहीं होगा, बट आज जो फेंटा लगा ना तुम लोग, आज जो मार पड़ी है ना, दैट्स अनबिलीवेबल। खतरनाक मार पड़ी है भाई। मैं टीवी पे देख कैसे रखता था भाई, रचिन रविंद्र मार रहा है तुमको। कौन है ये बंदा भाई? ये अभी कल का आया हुआ प्लेयर है यार, मैंने इसको देखा नहीं है खेलते हुए कोई सीरीज। पहली बार देख रहा हूं रचिन रविंद्र आउट ऑफ नोवेयर स्टेप्स इन द वर्ल्ड कप। एंड तुझे रचिन रविंद्र के बारे में एक स्टोरी बताता हूँ। रचिन, ये नाम कैसे पड़ा रचिन पता है तुझे? कॉमेंटेटर्स ने थोड़ा डिस्क्लोज किया कि जो रचिन रविंद्र के पेरेंट्स हैं वो सचिन एंड राहुल द्रविड़ के बहुत बड़े फैंस थे। तो राहुल द्रविड़ का रा एंड सचिन का चेन, रचिन। तो रचिन रविंद्र, और आज वो कैलिबर का परफॉर्मेंस दिखाया बंदे ने वर्ल्ड कप में, नॉट आउट जाते हुए 120+ रन। एंड डेविन कॉनवे भाई, क्रेडिट टू डेविन कॉनवे। आज जो कॉनवे इज इक्वल टू कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यार, हमने चेन्नई में भी देखा था, हमने आईपीएल में भी देखा था, बंदे ने जो कैलिबर की धुलाई की है, दैट वाज इनक्रेडिबल। कॉनवे एब्सोल्युटली किल्ड इट टुडे, एंड 150 रन के ऊपर मारा। मैं बॉलर की बात कर लेता हूँ जरा, इंग्लैंड के बॉलर्स की बात कर लेता हूँ सबसे पहले, कि आज सीधा न्यूजीलैंड के मार के ऊपर जंप मारेंगे। लगातार मैं टॉपिक्स खोलते जाऊंगा। न्यूजीलैंड ने जब मार मारा, उनके बॉलर्स थे इंग्लैंड के मार्क वुड, सैम करन, क्रिस वोक्स, आदिल रशीद, मोइन अली, तुमने हर बॉलर लियाम लिविंगस्टन तक को घुसा दिया, एंड सबके सब मार खा के आए भाई। ट्राई कर गए, टेस्ट मैच में पागल जैसे उतरवाते थे और बाउंसर्स डलवाते थे। अबे भाई वो फ्लैट पिच पे यार, वो फ्लैट पिच एशेस का बना बना के, ए कम ऑन, वी हैव प्लेइंग द पास बॉल वे। मैंने बोला था ये वाइट बॉल में करके दिखाओ तुम, मैं खुश रहूंगा। डू नॉट प्ले दिस टाइप ऑफ स्टाइल ऑन रेड बॉल। रेड बॉल को मत बिगाड़ो। रेड बॉल एक बहुत ही अच्छी कंडीशन की गेम है, जहां पर स्विंगिंग कंडीशन, सीमिंग कंडीशन भाई, अहमदाबाद जहां पर यूजुअली रन्स बनते हैं भाई, जहां पर यूजुअली रन्स बनते, तुमसे रन नहीं बन पाए भाई। जॉस बटलर, आई थिंक मैं यहाँ पर टॉम लेथम की बहुत तारीफ करूंगा, द न्यूजीलैंड कैप्टन, स्टैंड अप कैप्टन, केन विलियमसन इंजर्ड होने के बावजूद उसने जो तरीके की बॉलिंग चलाई आज भाई, इनक्रेडिबल। एक साइड से उसने एक सीनियर बॉलर हमेशा मेंटेन रखा, जैसे स्टार्टिंग में मैट हेनरी ने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी लाइन लेंथ, जब ट्रेंट बोल्ट को मार पड़ रही थी तो मैट हेनरी को कंटिन्यू करके रखा, दूसरे साइड से बॉलिंग शिफ्ट करते गया। एंड जैसे ही जब दिखा कि रचिन रविंद्र को थोड़ी मार पड़ी है, एंड रविंद्र ने भले विकेट ले लिया, स्टिल मैट हेनरी को वापस लेके आया, एंड जब मैट हेनरी का स्पेल थोड़ा सा बिगड़ा, एंड देन ट्रेंट बोल्ट को वापस लाया, तो वो जो स्पेल में बॉलिंग चलाई है ना, इनक्रेडिबल। उससे क्या हुआ कि इंग्लैंड के ऊपर हमेशा से एक साइड से प्रेशर रहा ही रहा है, हमेशा इंग्लैंड एक साइड से दबाव में रहा, जहां पर एक साइड रन नहीं आ रहे। इंग्लैंड कहां पर बेटर है वाइड बॉल में? जब वो दोनों साइड से रन निकाल पाए, दोनों बैट्समैन, स्ट्राइकर, नॉन स्ट्राइकर रन बनाते रहे कंटिन्यूसली, तो इंग्लैंड के रन बहुत हाई होते। बट आज लेथम एंड न्यूजीलैंड मेक श्योर कि रन्स लीक ना हो ज्यादा, एंड स्पेशली ग्लेन फिलिप्स को बॉलिंग दे दी, जिसने डंडा उड़ा दिया भाई। ग्लेन फिलिप्स जैसा बॉलर जब तुम्हारा डंडा उड़ा रहा है, तो समझ लो वो इंग्लैंड
भाई हो क्या गया इनको वर्ल्ड कप में, क्या इंग्लैंड टॉप फोर आएगा ना? अब तो क्वेश्चन ये हो गया मेरे को तो भाई, नहीं लग रहा है, बहुत डाउट है भाई इस इंग्लैंड टीम का। ब्लडी हेल भाई, मतलब जिम्बाब्वे इन सब के सामने क्या करेंगे? जिम्बाब्वे नहीं है वैसे, नेदरलैंड्स है, नेदरलैंड्स, अफगानिस्तान, इतना भी हालत खराब नहीं है। बट जो आज मार पड़ी है 9 विकेट से लॉस, दैट्स ह्यूज। आप समझ नहीं पाओगे, नेट रन रेट आपने देखा ही होगा कि कितना नेट रन रेट स्काई रॉकेट हो जाएगा अभी न्यूजीलैंड का। एक तो भाई कम से कम 13 ओवर बचे थे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 13 ओवर पहले मैच जीत गए भाई। 280 का चेस था, ऐसा छोटा मोटा चेस नहीं था। इंडिया ने जब 2011 का वर्ल्ड कप जीता था तो 275 चेस किया था, सो इट्स स्टिल अ ह्यूज स्कोर भाई टू डिफेंड। एंड भाई जो तरीके का वन साइडेड मैच रहा है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। मैंने 8वें 9वें ओवर में भाई 70-80 रन बन भी गए, बनने थे। यस, कॉन्स्टेंटली मार मारी है भाई, कॉन्स्टेंटली मार मारी है, वहां पर ही गेम खत्म कर दिया था कि हम जीतने आए। और भाई वो रचिन रविंद्र तो ऐसे शॉट्स मार रहा था यार, क्रिकेटिंग शॉट्स, तुमने देखा होगा, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, पुल शॉट, लेग ग्लांस, हर तरीके का शॉट था। स्पिनर आया बैठ के स्लॉग स्वीप छक्का, मोइन अली ने क्विकर बॉल की सीधा मिड विकेट पे छक्का, मतलब जब प्रेशर रिलीज करना हुआ सीधा छक्का मार दिया, मतलब इतनी आसान बैटिंग की ना। रचिन रविंद्र का एक और चीज मेरे को पता चला कि ही वॉज नॉट गोन प्ले टूडे। रचिन रविंद्र की जगह लॉकी फर्ग्यूसन को खेलना था आज, कल तक रचिन रविंद्र ने बैटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी नेट में, बिकॉज वो नहीं खेलने वाले थे। एंड लॉकी फर्ग्यूसन को निगल हो गई लास्ट में, एंड रचिन रविंद्र वॉज नॉट इवन इन द टीम शीट। एंड रात को निगल हुई तो फिर बताया गया रचिन रविंद्र को कि यू आर प्लेइंग टुमारो, सो बी रेडी। एंड रविंद्र ने आज आया, विकेट भी लिया, एंड बैटिंग में तो भाई धुआंधार सेंचुरी मार दी, पूरा फाड़ दिया। ओडीआई में वर्ल्ड कप में पहला मैच एंड हिज फर्स्ट सेंचुरी, एंड दैट टू इन अ बिगर स्टेज, और इंग्लैंड के सामने मारना, मतलब यार पार्टनरशिप देखो गाइस, 250 के ऊपर की पार्टनरशिप है। मतलब इतना बड़ा वन साइडेड गेम वर्ल्ड कप में, ऐसा लग रहा था कि आज मैंने न्यूजीलैंड वर्सेस नेदरलैंड देख लिया यार, मतलब क्या मैच देख लिया मैंने। जॉस बटलर वगैरह क्लूलेस है पीछे। एक टाइम था जब मैंने जॉस बटलर को देखा कि जॉस बटलर ने पूरी बॉडी छोड़ दी थी अपनी, बॉल किसी ने थ्रो किया, जॉस बटलर ने कलेक्ट भी किया तो कन्विंसिंग नहीं था, मतलब छोड़ दिया बंदे ने, बोला कि यार कम ऑन क्विकली लेट्स जस्ट रैप द गेम एंड घर जाए हम फटाफट भागे यहाँ से, बिकॉज इतनी मार मारी भाई, फेंडा लगा दिया, इतना मारा ना, मजा आ गया भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इतना सब चिट चैटिंग सब इंडिया में पैर रखे रखे उन लोग, वो क्या वेदर को लेके, फ्लाइट को लेके, अरे बाबा वहां से उनका शुरू हो गया था नाटक, बहुत नाटक करते हैं लोग, वहां से नाटक शुरू करते गेम तक ला दिया उन लोग ने। एंड आज सबसे बड़ी एक और बात मैं बता रहा हूँ विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग इन टर्म्स ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव, यार आज क्या था टिकट्स का सीन यार, बंदे नहीं थे आज ग्राउंड में, इतना मजाक उड़ाया जा रहा था यार हमारा ट्विटर पे एंड एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एंड हम दोनों भी एक्चुअली ट्राई कर रहे हैं, वी आर फ्रॉम मुंबई, अगर आपको नहीं पता जो देखने वाला या जो देख रहा होगा, एंड अगर कोई देख रहा है तो प्लीज कमेंट में इन्वॉल्व हो जाओ, कमेंट इज फ्री टू इंटरैक्ट। तो हम लोग भी मुंबई की टिकट देख रहे थे यहाँ पर इंडिया श्रीलंका की, एंड माई गुडनेस द टिकट्स आर सोल्ड आउट। अब अगर मैंने उस स्टेडियम में खाली सीट देखी तो भाई बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन भाई तुम बहुत गंदा काम कर रहे हो, बिकॉज आज कैसे सीट खाली है भाई, इट्स अ वर्ल्ड बोल के तुम कैसे सीट्स खाली करवा भाई, इट्स अ वर्ल्ड कप ओपनर, हार्डली मैंने 300 लोग देखे पूरे फर्स्ट इनिंग में जहां पर स्टेडियम का कैपेसिटी इज 1 लाख, वहां पर हार्डली 300 लोग बैठे हैं। ओके समझ में आता है थर्सडे है, आज वर्किंग डे है, लोगों को टाइम नहीं है, बट स्टिल क्या आप टिकट चीप करके, क्रिकेट आप टिकट चीप करके लोगों को घुसा देते हैं यार, 500 क्रिकेट इन इंडिया भाई, हाउ कैन यू सी एम्प्टी सीट्स भाई। एंड सेकंड इनिंग में धीरे धीरे शाम होते होते दिखने लगा था कि स्टेडियम भर रहा है, धीरे धीरे लोग घुस रहे हो रहा था, फिर भी इट वाज नॉट जैम पैक भाई, जैसा लोग कह रहे थे कि जैम पैक्ड होने वाला है, कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा था कि जैम पैक्ड हो सकता है स्टेडियम, एवरी मैच इज गोना बी अ जैम पैक स्टेडियम, नो माय फ्रेंड स्टेडियम बहुत खाली है। एंड अभी मैंने एक्चुअली घर पे बैठ के इसका सीट्स देखी थी फॉर मुंबई मैचेस दूसरे टीम्स के, साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान टाइप समथिंग, उसका भाई सीट एम्प्टी है अभी फॉर सम रीजन, लोगों को सिर्फ इंडिया का मैच देखना है, मतलब अभी लोगों का इंटरेस्ट चला गया ऐसा लग रहा है क्रिकेट में, लोगों को बाकी टीम्स का मैच नहीं देखना है। एंड आज का मैच एक्चुअली थ्रिलर था, अगर आप ऐसे कंटेक्स्ट में डालोगे न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड इज अ थ्रिलर मैच, ये मैच का फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप में, और लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आई अंडरस्टैंड कि थर्सडे है, मे बी लोगों को छुट्टी नहीं होती, लोग जा नहीं सकते, बट मे बी इवनिंग में लोग टर्न अप कर सकते थे, जैसे लोगों ने टर्न अप किया, मे बी टिकट्स चीप हो सकते थे, और टिकट्स चीप हो, अगर आपको पता है कि टिकट्स बिक नहीं रहे तो 300 में भेज दो यार, वो तो कुछ तो बिकेगा, ऑलमोस्ट
दूसरे के स्पोर्ट्स की कहानी है भाई। 1500-2000 के टिकट बेच रहे हो, नेवरदलेस की क्या चल रही है। बट एनीवेज वो तो हो गई उस साइड की बात। बट वापस मैं मैच पे आऊंगा भाई, नीचे पूरी बैटिंग बची थी न्यूजीलैंड की, डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, टॉम लेथम, पूरी अच्छी बैटिंग नीचे बची थी, कोई उतरा भी नहीं यार। मतलब इसमें शर्मनाक चीज है भाई। डैरिल मिचेल तो बैट बैट के हाथ खुजा रहा होगा कि मेरी बैटिंग कब आया। उसका पहले ओवर में ही, दूसरे ओवर में ही वो आउट हो गया। विल यंग पहले बॉल पे आउट हो गया वो बंदा, लेग साइड पे कितनी गंदी शॉट थी यार, कम ऑन मैन। एंड उसके बाद जो इन्होंने पार्टनरशिप ठोका, मुझे लगा अब आएगा विकेट, मे बी इंग्लैंड विल बाउंस बैक, मे बी ऐसा मे बी कर करके तो भाई रन बन गए पूरे। मेरे को लगा कब विकेट गिरेगा। एंड जॉस बटलर ने उम्मीद लगाई थी सैम करन से कि सैम करन बहुत धुआंधार बॉलर है, मैं सैम करन को बॉल डलवा दूंगा, ही विल टेक द विकेट। भाई ऐसा 20 रन धो दिया आई थिंक डेविन कॉनवे ने उसको एक ओवर में यार। मतलब मैं वॉशरूम जाके निकला बाहर, देखा तो 20 रन खा गया ओवर में भाई। एक ही बार में मैच का गैप यहाँ से यहाँ हो गया भाई। ऐसी मार भाई, एशिया कप में फटाफट विकेट गिरा दी थी सिराज ने, उस टाइप की मार पड़ी है। ऐसा फ्लैट ट्रैक बैटिंग पिच दिखाया न्यूजीलैंड ने, एंड इंग्लैंड को ऐसा मतलब बोलते ना शर्मनाक कर दिया। मतलब उनको शर्म आनी चाहिए कि तुम कौन सी पिच पे बैटिंग की और वो कौन सी पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। अंडर द लाइट्स, आई टेल यू व्हाट गाइस, अंडर द लाइट्स बैटिंग करना आसान नहीं होता क्योंकि बॉल बहुत स्विंग होती है, एंड क्योंकि जब पिच धीरे धीरे यूज होने लगती है तो स्पिन भी हो सकती है। तो यूजुअली कहा जाता है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करती है वो बस ओस का उनको एडवांटेज होता है, नहीं तो स्विंग और स्पिन हो सकती है तो बॉलिंग टीम को भी एडवांटेज होती है। बट यार यहाँ पर तो इन्होंने पूरा एक साइड कर दिया, जैसे कुछ था ही नहीं पिच पे। एंड आई टेल यू व्हाट कि बॉल थोड़ी बहुत स्विंग हो रही थी, स्पिन हो रही थी आदिल रशीद की। मैंने नोटिस किया था कि आदिल रशीद की बॉल स्पिन हो रही थी, बट स्टिल जो कैलिबर की क्रिकेट खेली गई रचिन रविंद्रा, एंड भाई अल्ट्रा इज हियर, अल्ट्रा कहते हैं गेम खत्म होने के बाद स्ट्रीम शुरू करी है। यस, हमने कल ही कहा था कि हम सीधा आ जाएंगे, गेम खत्म, लाइव स्ट्रीम स्टार्ट, एंड ऐसा पूरा वर्ल्ड कप करने वाले हम लोग। एंड भाई क्या मार मारी अल्ट्रा, मैच देखा होगा तो इट्स गुड भाई, बिकॉज आज जो मार पड़ी है ना न्यूजीलैंड, एक स्टेटमेंट डाल देती है यार। आईसीसी का जब भी कोई इवेंट होता है, जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो या फिर वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, न्यूजीलैंड आर ऑलवेज देयर, द कीवीज आर ऑलवेज देयर। कोई बायलैटरल सीरीज करा दो छोटी मोटी तो ये गायब हो जाएंगे, इनको फिर वहां हार जाएंगे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वर्ल्ड कप आता है ये टर्न अप हो जाते हैं भाई, ये विलियमसन जन, ये सब लेथम जन, ये सब टर्न अप हो जाएंगे भाई। अभी कॉनवे को देखो, कॉनवे का एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड कप है, एंड कॉनवे के लिए भी ये बहुत जबरदस्त स्टोरी है। मैंने एंड कॉनवे इज आई थिंक 31, कॉनवे का स्टोरी भी जबरदस्त है कि कॉनवे को साउथ, और एक्चुअली कॉनवे साउथ अफ्रीकन, तो कॉनवे को साउथ अफ्रीका छोड़ के न्यूजीलैंड आना पड़ा बिकॉज उसको क्रिकेट में आगे बढ़ना था। एंड वो चीज यहाँ पर आके उसने परस्यू किया आगे, एंड ही इज प्लेइंग ब्यूटिफुली भाई। आज चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी फाइनल में मैन ऑफ द मैच, एंड भाई इतना अच्छा इनिंग्स वहाँ पर, एंड स्टिल यहाँ पर भी वो चीज रिप्लिकेट करते हुए न्यूजीलैंड के लिए। एंड कितना बड़ा एडवांटेज होता है यार ये ऐसे प्लेयर्स के लिए जो आईपीएल खेल के जाते हैं। जैसे डेविन कॉनवे ने आईपीएल खेला तो पिच पता है यार, उसी पिच पे उसने फाइनल खेली है, वही पिच पे, वही स्टेडियम में फाइनल खेली है, गुजरात स्टेडियम में, मोटेरा में। तो भाई पता है डेविन कॉनवे को वो पिच कैसा है, वो ग्राउंड कैसा है, एंड इट हेल्प्स। 150 प्लस आसान स्कोर नहीं है। अल्ट्रा सेज न्यूजीलैंड फ्रॉम 2019 वर्ल्ड कप इज क्लास भाई, वो जबरदस्त टीम थी। एंड एक चीज मेरे को थोड़ा दिखा आज के मैच में, फॉर सम रीजन ट्रेंट बोल्ट का धार थोड़ा चला गया। ऐसा लग रहा है कि वो यूजुअली जो ट्रेंट बोल्ट की लाइन लेंथ रहती है, वो यूजुअली जो स्पीड रहती है, वो सब कुछ गिर गई है। मे बी एज का इफेक्ट पड़ गया होगा, एंड आई थिंक दिस कुड बी द लास्ट वर्ल्ड कप फॉर ट्रेंट बोल्ट एज वेल, फॉर लास्ट वर्ल्ड कप फॉर केन विलियमसन एज वेल। मे बी हम लोग एक लास्ट एरा देख रहे हैं इन सब क्रिकेटर्स का, बंच ऑफ क्रिकेटर्स जैसे जो रूट्स हो गए, स्टीव स्मिथ्स हो गए। मेरे को विराट कोहली का नाम नहीं ले रहा बिकॉज आई वांट हिम टू प्ले अनदर वर्ल्ड कप। जो विलियमसन फिट है मतलब आगे खेल सकता है, आई थिंक 2-3 मैचेस के लिए नहीं, बट उसके आगे टूर्नामेंट के लिए कंटिन्यू कर सकता है। एंड वो आने के बाद कैप्टनशिप किसको रहेगी फिर? केन विलियमसन। ओके, वो मेन कैप्टन है आज। एक्चुअली टॉम लेथम स्टैंड आउट कैप्टन है जब तक केन विलियमसन बाहर है, एंड बहुत जबरदस्त काम किया टॉम लेथम ने विकेट के पीछे से, बहुत जबरदस्त। जब मार पड़ी थी स्टार्टिंग में मैट हेनरी ट्रेंट बोल्ट के बॉलिंग पे, उसने क्विकली सैंटनर को ला दिया, एंड सैंटनर ने एक चांस बनाया था मुझे याद है, जो लेथम ने कैच छोड़ दिया, हालांकि उसको ड्रॉप बोलेंगे कि क्या बोलेगा आई डोंट केयर अबाउट दैट। बट न्यूजीलैंड के लिए स्टेटमेंट है बिकॉज केन विलियमसन अभी बाहर है। जिस दिन केन विलियमसन अंदर आते हैं भाई वो टीम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और वो टीम ऐसी बन जाएगी ना भाई, दे आर गोना प्ले द सेमीफाइनल्स भाई। अब तो पता नहीं कि मुझे फील होने लगा अचानक से दे आर गोना प्ले द सेमीफाइनल्स, क्योंकि इंग्लैंड के सामने जीतना भाई इतना आसान नहीं है। एंड अल्ट्रा कुछ कमेंट करते हुए वड़ा पाव का लास्ट वर्ल्ड कप है
इससे बड़ा एज एलिजिबल नहीं होगा। नहीं भाई, आई डोंट थिंक सो भाई, किसका लास्ट है किसका नहीं है हम नहीं बता सकते, बिकॉज कोई कब रिटायर होता है वो हमारे हाथ में नहीं है। बट आई डू नॉट वॉन्ट विराट कोहली टू रिटायर आफ्टर दिस वर्ल्ड कप। बीसीसीआई के हाथ में भाई, ये तो सबको पता है, हम सबको पता है बीसीसीआई के हाथ में भाई, बोलो मत माइक के सामने। बीसीसीआई आप प्लीज ध्यान रखो भाई, हमारे जेम का ध्यान रखो, वरना पूरी देश टर्न अप कर जाएगी आपके अगेंस्ट। एंड यू नेवर नो, उस बंदे के वजह से इतने साल तक सपोर्ट मिल पाया है इस टीम को, नहीं तो जो इस टीम के बीच में हालत हो गई थी ना भाई, वो वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता यहाँ पर, वो हालत हम सब देख नहीं सकते थे। ऑल्दो भले हम ट्रॉफीज नहीं जीत पाए, बट स्टिल मेलबर्न वाली इनिंग्स जैसी टाइप की बहुत सारी इनिंग्स खेली है विराट कोहली ने। सो प्लीज रिस्पेक्ट हिम, डू नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम। अच्छे से अगर अलविदा करना हो तो प्लीज अच्छे से करना, ऐसा कुछ बीच में गायब वायब मत करवा देना, आई प्लीज बेग यू फॉर दैट। एंड कल वैसे बड़ी टीम का मैच है, पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स, एंड नासिर हुसैन फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है, हियर दिस फैक्ट, नासिर हुसैन फ्रॉम इंग्लैंड प्रेडिक्टेड दैट नेदरलैंड्स विल बीट पाकिस्तान इजीली, ठीक है, एंड खुद की टीम आज हार गई न्यूजीलैंड से। वो खुद प्रेडिक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान हारेगी। भाई खुद के टीम का हालत देख लो सर, दूसरे की टीम के प्रेडिक्ट करने से अच्छा कि नासिर हुसैन, इफ आई रिमेंबर करेक्टली इंडिया पे भी उसने बहुत कुछ बोला था पहले। भाई नासिर हुसैन का मुंह बहुत चलता है लेकिन बाकी कुछ नहीं चलता है। भाई इंग्लैंड का हालत देख लो, अभी आज कितने लोग इंग्लैंड पे हंसेंगे यू, भाई तुमको पता भी नहीं चलेगा। आज जो टाइप की मार पड़ी है ना, इट्स ओवर भाई। इस वर्ल्ड कप के बाद एलिजिबल, हाँ एलिजिबल, हाँ पढ़ लिया भाई, वो पढ़ लिया हम लोगों ने, एलिजिबल नहीं है भाई। यस आई एग्री विद दैट। एंड टीम इंडिया का नया वो, ये देखा क्या, ट्रेनिंग किट ऑरेंज है, ऑरेंज ट्रेनिंग किट, यस, जो हम लोग का एक कलर है ऑरेंज, मे बी हम लोग के फ्लैग से सिचुएटेड रहता है। और भारत का ट्रेनिंग किट, आई वॉन्ट द न्यू नेम टू बी टीम भारत, टीम भारत उस पर लिखा होना चाहिए। एंड ऑरेंज कलर की किट से बाहर निकलो नेदरलैंड्स टाइप की कलर के साथ। वैन डाइक को उतार दो नेदरलैंड्स की टीम के लिए, पाकिस्तान प्लेयर्स भाग जाएंगे। वैन डाइक विद द बैट भाई, वैन डाइक ऐसे विद द बैट तो फिर हो गया भाई। शाहीन शाह अफरीदी वगैरह सब, आई मीन शाहीन शाह शायद इंजर्ड है कल के मैच के लिए, तो उनकी बॉलिंग यूनिट ऐसी काफी खराब है पाकिस्तान की। सो यू नेवर नो भाई, मे बी लोग सही हो सकते हैं कि पाकिस्तान कुड स्ट्रगल, बट ऑनेस्टली बोलूं पाकिस्तान की जो बैटिंग कैलिबर है बहुत जबरदस्त है यार। बाबर आजम, रिजवान, इमाम उल हक एंड वो सब, इफ्तिकार अहमद, बहुत जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है। आई थिंक पाकिस्तान की बैटिंग ऐसी है ना कि आई थिंक मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप पाकिस्तान कोशिश करेगी कि वो सेकंड बैटिंग करे, क्योंकि अगर 400 का भी टारगेट रहा ना, पाकिस्तान कुड फैंसी चेसिंग इट, क्योंकि अगर पाकिस्तान पहले रन बनाने जाएगी दे विल ट्राई टू स्ट्रेच एज मच रन एज दे कैन, क्योंकि बॉलर्स बहुत यंग है, वो उन पे डिपेंड नहीं हो सकते 250-300 रन बचाने के लिए, बिकॉज स्पिनर्स देख लो उनके पास कौन है, शादाब खान एंड इफ्तिकार वगैरह हैं एंड फिर मोहम्मद नवाज। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो टाइप की स्पिनिंग यूनिट पहले हुआ करती थी पाकिस्तान के पास, वो बिल्कुल भी नहीं है अभी, पूरा चेंज हो चुका है उनका जो पहले बॉलिंग यूनिट हुआ करती थी। एंड आई थिंक पाकिस्तान आर गोना स्ट्रगल इन द स्पिनिंग कैटेगरी। बाकी फास्ट बॉलर की कैटेगरी में अभी भी आई थिंक उन्होंने वसीम जूनियर रखा हुआ है, एंड शाहीन शाह अगर फिट होते हैं एंड दे विल बी बैक फॉर श्योर, दे विल बी बैक। एंड हारिस रॉफ का मुझे नहीं पता हारिस रॉफ का फिटनेस कब आने वाला है। पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल हुआ था बट वापस अच्छी हो गई है, अच्छी हो गई है इन बैटिंग यूनिट, इन बैटिंग यूनिट। ऑस्ट्रेलिया के सामने उन्होंने फिर भी 300-350 खा लिया था भाई, भरमार रन खा लिए थे, तो बॉलिंग से वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इट्स ऑल अबाउट बैटिंग। जिस दिन बाबर आजम या रिजवान आउट होते हैं उस दिन में भी पाकिस्तान का बैकबोन टूट जाएगा, वहां पर पाकिस्तान को तकलीफ हो सकती है। बट देखते हैं क्या होता है, कल का पहला मैच है, कल पता चलेगा कि पाकिस्तान नेदरलैंड्स में एक्चुअली में कितना एक्सपोजर है, कितने प्लेयर्स उनके पके हुए, कितने पानी में उनके प्लेयर्स, एंड क्या करती है उनकी ओपनिंग पेयर। एंड भाई न्यूजीलैंड में जब विल यंग को खिलाया गया, आज के मैच के ऊपर वापस आता हूँ, न्यूजीलैंड में जब आज विल यंग को ओपनिंग में खिलाया गया, मुझे ऐसा फील हुआ कि क्या फिन एलन को इस वर्ल्ड कप में ले सकते थे, बिकॉज 2015 में जब ब्रेंडन मैकलम ने वर्ल्ड कप खेला था, He was the power man of that team. मतलब आते ही ब्रेंडन मैकलम धाड़ धाड़ रन्स मार के मैच एक साइड करने की कोशिश रहती थी, एंड वो काम विल यंग के पास नहीं है, वो काम फिन एलन के पास है। फिन एलन इज अ डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, एंड कॉनवे का जो बैटिंग है वो बहुत
मतलब कंसिस्टेंट है बंदा, टुक टुक खेल खेल के रन्स बिल्ड करता है एंड एक साइड से पार्टनरशिप लगाने की देखता है. सो आई थिंक फिन एलन कुड हैव बीन मोर डिस्ट्रक्टिव. अब मैं मे बी रिएक्शनरी हो सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट बॉल डक लगी है विलियम को. अच्छा विलियम को, विलियम को. एंड फिन एलन यार, फिन एलन पे भी तकलीफ ये है कि फिन एलन का टैलेंट बहुत अच्छा है बट रन्स नहीं है. हाँ, जिस आदमी के पास रन्स नहीं है देखता हूं, उसके पास रन्स नहीं है, रन्स नहीं है. एंड जिस आदमी के पास रन्स नहीं है ऑब्वियसली वो कभी सिलेक्ट नहीं होगा बिकॉज रन्स के ऊपर ही वर्ल्ड कप जा सकते हो मोस्टली. कोई भी टीम पंट नहीं लेगी ऐसी वैसी टीम पर. हु नोज, पाकिस्तान 50 ओवर में 100 रन्स भी प्रोटेक्ट कर ले, इट्स अनप्रेडिक्टेबल. ये वर्ल्ड कप यही है. आज का मैच जिसने प्रेडिक्ट किया होगा भगवान है वो भाई, मैं तो सीधा बोलता हूँ ही इज गॉड. क्योंकि मेरे को पूछते ना स्मैश स्टार्ट होने से पहले कौन जीतेगा, आई वुड हैव सेड इंग्लैंड. इंग्लैंड, उनकी बैटिंग देखो, उनकी बॉलिंग देखो भाई, क्या बैलेंस टीम है, वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस टीम. आज एक रिकॉर्ड हुआ है वैसे, चलो इसी बात पे याद आ गया, एक नया रिकॉर्ड बना है कुछ, आई थिंक कितने तो ओडियाज हो गए, ये वाला नंबर मैं भूल गया हूँ. जब से ओडिया स्टार्ट हुआ है क्रिकेट में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि पूरे 11 के 11 बंदों ने डबल डिजिट स्कोर किया. पूरे 11 बंदों ने डबल डिजिट मारा है. बॉलर भी जो नीचे आया ना मार्क वुड, उसने भी डबल डिजिट रन मारे, कुछ 13-15 रन मारे. सो ऐसा फर्स्ट टाइम इन क्रिकेट हिस्ट्री हुआ ओडीआई में जब सारे 11 बंदों ने डबल डिजिट रन मारे. बट फायदा ही क्या, फायदा ही क्या हुआ, यही तो बात है, फायदा कुछ नहीं हुआ ना. कि तुम बैट घुमाते हो बस भाई, भाई कल ये रहो भाई, गेम बनाओ भाई. अभी इनसे नहीं होगा यार, अभी इन... मेरे को लग रहा है भाई 300 प्लस भी बना देते तो भी न्यूजीलैंड चेस कर लेती. इजी था यार, 350 भी इजी था इनके लिए तो. आज जब 37 ओवर्स में रन चेस हो गया तो अभी कितना बड़ा डिस्टेंस है भाई, अभी तो बहुत काम बचा था. अभी तो यार इंग्लैंड नहीं थी शेप में ही नहीं थी आज, इंग्लैंड शेप में नहीं थे. दिस इज थ्रेटनिंग भाई, दिस इज थ्रेटनिंग. अभी बॉलिंग यूनिट पे बहुत बड़ा काम बच गया. अभी इतनी मार लगी है ना, कितने लोगों का कॉन्फिडेंस गिर गया होगा. यस, एंड क्रिस वोक्स, अरे भाई 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 भगवान हेल्प हिम भाई. क्रिस वोक्स को जो मार पड़ी है भाई, स्टार्टिंग के 3 ओवर में जो बैट से आवाज आ रही थी, स्वीट साउंड जो निकल रहा था, पहले ओवर में बंदे ने 10 रन खा लिए. जो स्वीट साउंड निकल रहा था ना बैट से, टॉप टिप भाई, कवर ड्राइव्स पड़ रहे हैं, पुल पड़ रहा है, डाउन द ग्राउंड शॉट्स पड़ रहे हैं, पूरी टाइमिंग वाली. मतलब मेरे को लग रहा है क्रिस वोक्स पक्का वो दिमाग में सोच रहा होगा भाई इतना आसान हो गया हूं मैं खेलने के लिए, मतलब क्या करूं मैं अभी बॉलिंग के लिए. सैम करन आया, सैम करन लगातार 2 मेडन डाल दिया, दूसरे साइड से क्रिस वोक्स 10 रन 8 रन 9 रन लीक किए जा रहा है ना. एक्सपीरियंस नहीं लाता है पूरे इस गेम में सैम करन, भले ही थोड़ा है, अच्छा बॉलर है नो डाउट, बट वही है जो एक्सपीरियंस रहना चाहिए उस टीम में. एक बॉलर से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो लैक करते हैं इंग्लैंड. ये लोग पता किसको मिस कर रहे हैं, जो 2019 में इनको वर्ल्ड कप जीता था, जोफ्रा आर्चर. आर्चर इज इंजर्ड, जोफ्रा आर्चर लीथल भाई, लीथल बॉलर था. और वो आज वो होता ना, मैं पक्का बोलते पार्टनरशिप नहीं लगती. जोफ्रा आर्चर कुछ ना कुछ पक्का किया होता, जोफ्रा आर्चर वुड हैव टर्न दिस गेम. ऐसा एक बॉलर, एक वेपन बॉलर जिसको मैं कहता हूँ वो हर टीम में है, जैसे इंडिया में जसप्रीत बुमराह है, पाकिस्तान में शाहीन शाह अफरीदी है, स्मार्ट रहते हैं लोग किस तरीके से, न्यूजीलैंड में ट्रेंट बोल्ट है, ऑस्ट्रेलिया में मिचेल स्टार्क है. हर टीम जो टॉप लेवल पे होती है उनके पास एक एक ब्रैकेट में ऐसा बॉलर होता है जो आर्चरी में से निकलता है एंड बने बनाए मैच वो चेंज कर सकता है. वो होता है उनके अंदर एक कैलिबर, एंड वो जोफ्रा आर्चर के पास है जो इंग्लैंड आज मिस कर रही थी आई थिंक, बिकॉज क्रिस वोक्स को वापस जब स्पेल मिला वो वही नॉर्मल नॉर्मल बॉल, वही लेंथ बॉल फेंकते गया. एंड आई डोंट ब्लेम हिम भाई, जो जिसका जो एसेट रहता उसको उस पर ही मेहनत करनी चाहिए. सैम करन ने अपना काम किया, डिविएशन डालने की कोशिश की, बाउंसर्स भी ट्राई किए, यॉर्कर्स भी ट्राई किए, बट सब फेल हो गया. आज मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ फ्रॉम द इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑन मार्क वुड. मार्क वुड के पास रॉ पेस है भाई, लीथल पेस है, एंड उसका बराबर यूज नहीं किया मार्क वुड ने. एक बाउंसर डाला था मार्क वुड में जो टॉप एज लग के गई थी, जस्ट आदिल रशीद के ऊपर से छक्का गया था अर्ली पावर प्ले स्टेज में, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. उस टाइम पे जब आपने बाउंसर डाली और जस्ट छक्का गया, तो क्यों बाउंसर रिपीट नहीं किया मार्क वुड ने बार बार, मेरे को समझ नहीं आ रही ये चीज़. रचिन रविंद्र जैसा यंगस्टर है उसको डरा सकता था यार मार्क वुड और पीछे ढकेल के यॉर्कर्स डाल के, बट आई थिंक मार्क वुड ने भी अपनी लाइन लेंथ काफ़ी मिसजज की एंड फुल लेंथ एंड शॉर्ट लेंथ डाल डाल के पता नहीं मैच को, मैच बड़ा इजीली न्यूजीलैंड के खाते में गिर गया. ऐसा मैं कहूंगा ना कि न्यूजीलैंड ने तो एक्सेप्शनल बैटिंग की बट इंग्लैंड ने कुछ खास बॉलिंग नहीं की. इंग्लैंड ने थ्रेट ही नहीं प्रोवाइड किया, नहीं किया यार कुछ भी. आदिल रशीद इतना एक्सपीरियंस लेग स्पिनर, इतना हर जगह वर्ल्ड में खेला हुआ आदिल रशीद ने, आईपीएल इतने टाइम से आदिल रशीद ने खेला, फिर भी आज एक विकेट नहीं निकाल पाया भाई. मुझे रचिन रविंद्र बार बार दिमाग में आ रहा है बिकॉज ही इज ओनली 23. बंदे को कल तक नहीं पता था कि मैं खेलने वाला हूँ, प्रैक्टिस नहीं थी एंड स्टिल ही मैनेज टू स्कोर 120 प्लस.
सैम करन बेबी, क्या सैम करन बेबी फेस्ड मॉन्स्टर है भाई। इंग्लैंड बॉटल इन फुटबॉल, बॉटलर इन क्रिकेट। अरे भाई अभी इंग्लैंड बॉटल ही बॉटल कर रहा है एवरीवेयर। आई थिंक इंग्लैंड विल बी बैक। इंग्लैंड ने बेन स्टोक्स को भी मिस किया आज। बेन स्टोक्स इज ऑल्सो इंजर्ड, बेन स्टोक्स भी बाहर बैठे हुए हैं। आई थिंक वंस बेन स्टोक्स कम्स इन, किसकी जगह मिलती है मुझे नहीं पता। कौन जाएगा कौन आएगा, मे बी सैम करन, क्रिस वोक्स, किसी एक को तो निकालना पड़ेगा, या मे बी मोइन अली को निकालना पड़ जाएगा। बट स्पिनिंग ट्रैक है, उस हिसाब से जज करना पड़ेगा इनको क्या करना पड़ेगा। एंड मैं बहुत सारा एक्सपेक्टेशन रखा हुआ था लियाम लिविंगस्टन से, एंड ही डिसअपॉइंटेड मी टेरिबली। लियाम लिविंगस्टन का जो टैलेंट है वो बड़े बड़े छक्के मारने का टैलेंट है भाई। आज पता नहीं लियाम लिविंगस्टन सिंगल डबल्स पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करने चला गया एंड ही थ्रू हिज विकेट अवे। बट एनी वे भाई, पता नहीं कितना मिनट हो गया नॉन स्टॉप चिट चैटिंग का, कुछ पता है हम लोग को कुछ मिनट्स के? चार बंदे उनके मिसिंग है, वो ऐसे कन्विंसिंगली मैच जीत गए भाई। कैसे तुम कह सकते हो कि न्यूजीलैंड आगे नहीं जाने वाला इस कॉम्पिटिशन में यार? न्यूजीलैंड कुछ तो करेगा, न्यूजीलैंड में भी फिर से अगर, अगर इतने प्लेयर्स प्रोवाइडेड है, मतलब इतने प्लेयर्स है अवेलेबल भाई न्यूजीलैंड के पास, तो मेरे को लग रहा है मैच के हिसाब से उनको प्लेयर्स वैसे चूज करने चाहिए, ना कि बोलते हैं ना ये प्लेयर्स चल रहे हैं तो नेक्स्ट मैच भी यही प्लेयर्स उतारेंगे। आई एग्री यार, न्यूजीलैंड वही है भाई, न्यूजीलैंड सबसे टैक्टिकल टीम है, ये चीज बहुत जरूरी है। दो साल से पिछले मतलब दो वर्ल्ड कप से वो लगातार फाइनल स्ट्रेच कर रहे हैं सिर्फ टैक्टिक्स के वजह से। उनको पता है एग्जैक्टली कौन सी पिच पे कैसी बॉलिंग कर सकते हैं, कैसे टारगेट कर सकते हैं। आज भी वो मुझे इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल याद है जो 2019 के वर्ल्ड कप में हुआ था, वॉश आउट हुआ था डे वन के बाद। जब डे टू पे न्यूजीलैंड बॉलिंग करने आई थी इंडिया को, उनके टैक्टिक्स सुपर्ब थे यार। एक एक बंदों को, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, जो टाइप की बॉल गिराई थी, जो टाइप की प्लानिंग थी ना, वो न्यूजीलैंड लेवल की बॉलिंग थी यार, वो न्यूजीलैंड लेवल की पूरी मतलब बोलते हैं ना टैक्टिक्स थी। इसीलिए न्यूजीलैंड बहुत कंसिस्टेंट टीम रहा है इन आईसीसी इवेंट्स, एंड 2021 में भी उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया था, द फर्स्ट टीम टू विन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। एंड यही दिखाते हैं भाई, वो हर एस्पेक्ट के प्लेयर्स हैं उनके पास। पावर बैट्समैन बहुत कम है, बट वो इतने कैलकुलेटिव रिस्क और इतने कैलकुलेटिव खेलते हैं ना कि रन्स आ ही जाते हैं उनके ओवर में। क्या डेविन कॉनवे ने आज छक्के की बरसात लगाई? नहीं भाई, सिर्फ चौके चौके मार मार के ओवर में 20-20 रन भी उठा लिए भाई उसने। इतना मारा भाई। केन बेचारा आईपीएल के चक्कर में वर्ल्ड कप मिस कर रहा है। केन को यार ये आईपीएल के फर्स्ट मैच में इंजरी हो गई थी गुजरात लायंस में, फर्स्ट मैच में गुजरात टाइटंस में, लायंस सिक्स रोकने के इसमें शोल्डर इंजरी हो गई थी, एंड उसके बाद वापस आते हुए केन विलियमसन। एंड अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि जब वर्ल्ड कप केन विलियमसन खेलने वाला है उसमें भी वो 100% नहीं है। हाँ, नहीं अभी ऐसा है कि थोड़ा रनिंग वनिंग के बीच में प्रॉब्लम ना हो जाए, मे बी न्यूजीलैंड जब बहुत प्रॉब्लम में आएगा देन विलियमसन विल बी इन। तब तक विलियमसन को थोड़ा टाइम बाहर रखेंगे एंड चेक करेंगे कि क्या हाल है। एंड आज जो विन है, मे बी केन विलियमसन को थोड़ा टाइम और बाहर बिठाएंगे कि रिकवरी और बेस्ट, बिकॉज बकल अप, वी कुड बी इन द सेमीफाइनल स्पॉट। एंड इस साल का सेमीफाइनल बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है अब, क्योंकि न्यूजीलैंड भी रेस में है जो पहले से ही थी, बस हम हर साल अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमारी आदत हो गई है अंडर एस्टिमेट करने की। इस साल भी मैंने वापस अंडर एस्टिमेट किया था, मैं एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैंने जो चार सेमीफाइनल जीए थे वो थे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड पाकिस्तान। बट अब मुझे लग रहा है कि कोई तो एक ड्रॉप आउट करेगा, न्यूजीलैंड विल बी इन अगेन। क्या इंग्लैंड ड्रॉप आउट करेगा, क्या ऑस्ट्रेलिया ड्रॉप आउट करेगा, पता नहीं कौन ड्रॉप आउट करेगा, बट कोई एक टीम तो जरूर ड्रॉप आउट करेगी एंड वहां पर दिक्कत होने वाली है। देखने वाली बात होगी क्या होगा इंग्लैंड वर्सेस इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का तो होगा सॉरी, कल पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स में क्या होगा। एंड एक लास्ट चीज के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि पिछले 6 वर्ल्ड कप एडिशंस में होम टीम ने पहला गेम खेला, क्यों हमारे इंडिया ने पहला गेम नहीं खिलाया? मतलब ये चीज होनी चाहिए थी कि ये चीज तो जरूरी है भाई। एंड ओपनिंग सेरेमनी रखते हैं अच्छे से, पहला मैच सीधा हमारा सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आप मैच रख रहे हो, इंडिया को उतारो, कोई हेवी ओपोनेंट्स रखो, एकदम कड़क मैच रखो, क्या वर्ल्ड कप स्टार्ट होती है यार। बट पता नहीं क्यों इन्होंने वो फाइनलिस्ट के साथ वर्ल्ड कप स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। बट एनीवेज मैच तो हो गया। कमेंट पढ़ना
बड़ा पाव अच्छा खेलेगा वर्ल्ड कप क्योंकि इंडिया में उसको बड़ा पाव का सप्लाई अबे नॉन स्टॉप सप्लाई, वो ड्रिंक्स ब्रेक होता है ना उसका बीच में ब्रेक होगा एवरी ओवर के बाद. Let me sneak in my snacks. नहीं भाई ऐसा नहीं है. Let's see भाई captain है, support our captain. Yes. And maybe team India wins the World Cup this time. भाई आसार बहुत अच्छे ऐसे betting odds में जाएगा ना तो इंडिया की odds बहुत अच्छे World Cup जीतने के. And experience के हिसाब से ये team सबसे balanced team है. Team India is the most balanced team in the World Cup 2023. So we hope for team India to bring the World Cup. एंड भाई होप करेंगे कि विराट कोहली के सेंचुरीज लगते रहे. एंड मिलेंगे भाई कल मैच में इन पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स होने वाला है वैसे उस मैच में. उसके बाद मिलेंगे आप पता नहीं वो जल्दी खत्म हो ये टाइम पे तो नहीं खत्म होगा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज वो 50 लंबा चलेगा. हाँ पता नहीं वो कितना चलेगा कैसे चलेगा बट लेट्स सी. एंड परसों फिर दो मैचेस है वैसे. परसों आई थिंक वी हैव गॉट साउथ अफ्रीका बांग्लादेश एंड फिर ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया के साथ है. परसों फिर एक और कोई मैच है. बहुत अच्छे मैचेस है. आई होप कि स्ट्रीम अच्छा लगा हो. जो अभी देख रहा है प्लीज लीव अ लाइक ऑन द स्ट्रीम. जो बाद में देखेगा प्लीज लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और लाइव में जरूर जुड़ जाना. हम लोग हर वर्ल्ड कप के मैच के बाद स्ट्रीम करने आ जाएंगे. आप अपने ओपिनियंस देना गुस्सा हो या नहीं हो प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू एफ एफ सी पॉडकास्ट. क्या लिख रहा है अच्छा कोई बात नहीं चलेगा. सी यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम गाइस. पीस आउट टेक केयर.